का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूम रिएक्शन। फ्यूम रिएक्शन जो है हमारे पिछले टॉपिक जो कि मैथ्स डिफिक के बारे में हमने बात की थी तो उससे काफ़ी हद तक रेलेवेंट है, जिसमें हमने ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल हम हीलियम को कंसीडर कर लेते हैं। हीलियम को जब कंसीडर किया गया और हीलियम के बारे में स्टडी की गई तो पता चला हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है, इसमें क्या हुआ कि जब इसके बारे में देखा गया कि इसके न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की गई तो उसमें पता चला जो इसके न्यूक्लियंस हैं यानी कि इसके प्रोटॉन वो भी 2 हैं और जो न्यूट्रॉन है वो भी 2 हैं, और जो न्यूक्लियन का मास है वो बेसिकली न्यूक्लियस के मास हीलियम के न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा है, जिसकी रीज़न ये बताई गई कि न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ मास की अमाउंट जो है वो उस अमल के दौरान जो है वो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है। इस वजह से जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियन के मास से कम निकलता है, जो कि आइंस्टाइन ने अपनी मास एनर्जी थ्योरी के दरमियान जो इक्वेशन पेश की थी उसे जस्टिफाई कर दिया कि मास की कुछ अमाउंट जो है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है या यूटिलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मास की कुछ अमाउंट जो है न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए मास जो है न्यूक्लियन के मास से कम निकलता है। सिमिलरली इसके बाद भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन को अगर हम लोग बताएं तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन को करते वक्त बाद साइंटिस्ट वगैरह ने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए कि अगर वो कुछ न्यूक्लियाई यानी कि कुछ एटम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपस में ला के डिफ्यूज़ करें तो उनके डिफ्यूजन से क्या होता है, उसको ला के डिफ्यूज़ करेंगे तो डिफ्यूजन से उनके पास यहाँ पे एक हैवी एटम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक हैवी एटम का न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये वाले जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जिन्हें आपस में वो मर्ज कर रहे हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ला के मर्ज करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो है सब पे सिमिलर चार्जेस होते हैं तो जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं, इसलिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इन्हें आपस में डिफ्यूज़ करना पड़ता है और इनके डिफ्यूजन से हमारे पास एक हैवी एटम कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि इस हैवी एटम का बनना बेसिकली हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है। अब जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है वो बेसिकली तब होता है जब हम एक ड्यूट्रियम और एक जो है ट्रिटियम को आपस में मिलाते हैं, यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं लेकिन इन 3 आइसोटोप में से आप सिर्फ ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को यूज़ करते हैं, इन्हें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपस में ला के मर्ज करना है। होता क्या है कि ये आपके पास H12 है और ये आपके पास H13 है, जब आप इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ला के डिफ्यूज़ करते हैं ना तो आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस यानी कि हीलियम कंस्ट्रक्ट हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है, और साथ ही साथ यहाँ से एक न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो जाता है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 1 यूनिट है और चार्ज जो है इस पे 0 होता है यानी कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इस तरह से जब आप दो न्यूक्लियाई को आपस में ला के मर्ज करते हैं तो उनके जो है आपस में डिफ्यूज होने से क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट हो जाता है और एक आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो वहाँ से एमिट हो जाता है, और उसके साथ ही साथ आपके पास 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी आपको मिलती है, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान जो है वो रिलीज होती है, और इस एनर्जी को आप बहुत से पर्पसेस के अंदर जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्शन को कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप फ्यूजन रिएक्शन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है दो आपके पास आइसोटोप आ जाते हैं हाइड्रोजन के, इनके ऊपर सोलर के सिमिलरली चार्ज होता है, ये दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस को आपस में क्लोज लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये दोनों जो है न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्लोज आ सकें, दोनों एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तभी एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे और आपके पास जो है ये फ्यूजन जो है प्रोसीजर आगे चलेगा और आपके पास हीलियम जो है कंस्ट्रक्ट होगा। अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड ना करें कि यहाँ पे जो है ये एक दूसरे क्लोज आए तो कभी भी यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो सकती और कभी भी आपके पास जो है फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इन दोनों को क्लोज लाने के लिए वो एनर्जी बेसिकली हम लोग फिशन रिएक्शन से लेते हैं। फिशन रिएक्शन के अंदर जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास एटम बम के अंदर होता है, उसमें से जो एनर्जी हमारे पास आती है यानी कि हाइड्रोजन बम के अंदर से, उस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उस एनर्जी के थ्रू इन दोनों न्यूक्लियाई को जो कि पॉजिटिव चार्जेस रखते हैं एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, तब के हमारे पास एक हीलियम एटम बनता है और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है और हमें एक न्यूट्रॉन भी मिल जाता है। बेसिकली हमारा पर्पस था इस हीलियम को कंस्ट्रक्ट करना और इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है हमें ऑब्टेन करना, तो वो हमें मिल जाती है जब हम हाइड्रोजन बम के अंदर मौजूद एनर्जी को फिशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास जो है फ्यूजन रिएक्शन प्रोसीड होता है।
इसे भी आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास ये H12 है, इसके साथ आपने H13 को जो है डिफ्यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने भी प्रोवाइड की है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपने वो प्रोवाइड की है, तो आपके पास यहाँ पर एक हीलियम कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके साथ ही साथ आपके पास एक न्यूट्रॉन आ गया है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास एनर्जी जो है क्यों यहाँ से रिलीज़ हो गई है, जो कि बेसिकली 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि आप दो ड्यूट्रियम एटम या न्यूट्रॉन्स को आपस में क्या करें, मर्ज करें या फ्यूज़ करें, तब भी आपके पास हीलियम एटम जो है कंस्ट्रक्ट हो सकता है, यानी कि इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। वो किस तरीके से अगर हम उसके बारे में बात करना चाहें, तो अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है या जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो H12 है, और उसके साथ एक और न्यूट्रॉन H12 लगा लें, अगर मैं इन्हें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपस में ला के मर्ज करूँ, एनर्जी प्रोवाइड करूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है हीलियम एटम कंस्ट्रक्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ जो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आएगी वो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन होगी मुझे इस रिएक्शन के दौरान। लेकिन ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जब ये न्यूट्रॉन्स आपस में मर्ज होते हैं तो या तो ये प्रोटॉन बना देते हैं या ये एक न्यूट्रॉन भी साथ में बनाते हैं। वो किस तरीके से, अगर इसे डिटेल में देखें तो आपके पास H12 है और इसके साथ यहाँ पर भी H12 है। अब सबसे पहले जो इनका रिएक्शन जाएगा, या तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आपके पास H13 बन जाए और इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे H11 यानी कि प्रोटॉन बन जाए, और इसके साथ आपके पास जो एनर्जी ऑब्टेन हो वो आपके पास 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। सिमिलरली अगर ये आपस में इनको मर्ज किया जाए तो होता क्या है कि इन दोनों के मर्ज करने से आपके पास एक और ऑप्शन भी आ सकती है, जिसमें आपके पास क्या प्रोड्यूस हो सकता है, न्यूट्रॉन। तो आपके पास जो है यहाँ पे आ जाता है हीलियम 2 और 3, और इसके साथ ही साथ आपके पास एक न्यूट्रॉन आ जाता है, और इसके साथ ही साथ आपके पास 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन के दौरान पर न्यूट्रॉन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस होती है, जो कि फिशन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के इक्वल होती है। पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो है एक आपस में ला के ट्रिटियम के साथ फ्यूज़ किया जाए, यानी कि आप न्यूट्रॉन और ट्रिटियम को आपस में फ्यूज़ करें, तब आपके पास हीलियम और न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो इमिट होती है। हम बेसिकली इसी वाले प्रोसीजर को जो है अडॉप्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं इन्हीं दो न्यूट्रॉन्स को आपस में ला के फ्यूज़ करते हैं, और उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारे पास सन है, हमें मालूम है कि जो हमारे पास सन है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखता है। सन के अंदर और स्टार हो, सन हो, इन सब के अंदर भी रिएक्शन हो रहे होते हैं। इनके अंदर हवा रिएक्शन की वजह से, न्यूट्रॉन्स के आपस में फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सन के अंदर भी। अगर हम सन के सेंटर को कंसीडर करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वह यहाँ पर 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है, और अगर हम इसकी सरफेस की बात करें सन की, तो सन के सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 5 मिलियन केल्विन के राउंड अबाउट होता है। सिमिलरली इसके अंदर टेम्परेचर इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में जो है कन्वर्ट होती रहती है, और यहाँ पर डिफरेंट जो है गामा रेज, आपके पास अल्फा रेज आती जाती है जो कि बेसिकली हीलियम है, और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी बहुत ज़्यादा जो है इमिट होते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गामा रेज की प्रोडक्शन की वजह से और हाइड्रोजन के जो है हीलियम में कन्वर्ट होने की वजह से सन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जानना चाहें कि सन के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो उनमें से कोई दो तीन जो है रिएक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन आपस में जो है वो मर्ज हो चुके, वो आपस में डिफ्यूज़ होंगे तभी उनके पास हीलियम आएगी, और अगर वो आपस में हीलियम नहीं भी बना रहे लेकिन फ्यूज़ होते चले जा रहे हैं तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी सन के अंदर जो है वो रिलीज़ होती चली जाती है। ये इस तरीके से आपके पास एक न्यू आइसोटोप बन जाता है, और साथ ही साथ जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है जो कि बेसिकली आपके पास बीटा रेज होते हैं, और साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब अगर हाइड्रोजन के दो सिमिलर एटम ना आए, जो कि बेसिकली इसके दो सिमिलर एटम थे, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम के दो डिफरेंट आइसोटॉप आ जाए, यानी कि H12 यानी कि न्यूट्रॉन आ जाए और H11 जो कि हाइड्रोजन है इसको आपस में फ्यूज़ किया जाए, तो आपके पास यहाँ पे हीलियम 3-2 और इसके साथ साथ आपके पास गामा रे और बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाए कि आपके पास H23 है और H23 आ जाए यहाँ पर भी, और इससे क्या होगा कि आपके पास हीलियम 2-4 और उसके साथ ही आपके पास जो है दो प्रोटॉन आ जाएंगे
और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये कुछ तरह के रिएक्शन हैं जो कि सन के अंदर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से सन का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स वगैरह के। तो इस तरीके से रिएक्शन करते चले जाते हैं, डिफरेंट आइसोटोप और एटम आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ होते चले जाते हैं और यहाँ पर गामा रेज और बहुत ज़्यादा एनर्जी और गैसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट होती चली जाती हैं, इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट जिनका नाम बेदे था उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि सन के अंदर जो है चेन रिएक्शन चलते चले जाते हैं, ये चेन की सूरत में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये सारे के सारे चलते चले जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन के चार एटम्स को आपस में ला के फ्यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन को ले आएँ और यहाँ पर भी हाइड्रोजन को, अब इन चारों को अगर आपस में फ्यूज़ करें तो होता क्या है कि आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा इनके फ्यूजन से। एक तो आपके पास हीलियम आ जाएगा जो कि He2+4 है, हीलियम न्यूक्लियस आ जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास 3 गामा रेज इमिट होंगी, उसके साथ साथ आपके पास जो है 2 पॉजिट्रॉन आ जाएंगे और इन 2 पॉजिट्रॉन्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जो कि ज़्यादा मैक्सिमम जो है अराउंड अबाउट 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है इस तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 4 हाइड्रोजन एटम को आपस में फ्यूज़ करें, तब भी आपके पास हीलियम बन जाएगी और तब आपके पास 3 गामा रेज भी आएंगी, पॉजिट्रॉन भी। और जो सबसे बड़ा हमारा काम है यानी कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी फ्यूजन रिएक्शन जो कि हीलियम की कंस्ट्रक्शन के दौरान होता है। अगर हम जो है ड्यूटियम और ट्रिटियम को मिलाएं तब हमारे पास 17.6 आती है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई को आपस में मिला लेंगे तो तब हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, हम एनर्जी इतनी ज़्यादा अमाउंट में गेट कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि फ्यूजन रिएक्शन को कराना मुश्किल होता है, जबकि अगर ये हो जाए, ये जो है हमारे पास सेफली परफॉर्म हो जाए, तब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है जो कि आप डिफरेंट पर्पजेज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप एनर्जी क्राइसिस के ऊपर कम्प्लीटली जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो आपको चाहिए होती है फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए वो ज़्यादातर आप कहाँ से यूज़ करते हैं, आप फिशन रिएक्शन जो कि अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है वहाँ पर आप हाइड्रोजन बम के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देन फ्यूजन रिएक्शन जो है आपके पास कंप्लीट हो जाता है, प्रोसीड होता है।